नमस्कार। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने खास तौर से हम बात करें तो विद्यालय विषय उर्दू, उर्दू का पेपर हुआ और उसमें राजस्थान जीके के शैक्षिक परिदृश्य के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सबका स्वागत और अभिनंदन। चलिए भाई शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कौन लोग कहाँ कहाँ से हैं एक बार देख लेते हैं, फिर पहले क्वेश्चन से हम आपको रूबरू कराएंगे। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और एक एक क्वेश्चन हम एनालिसिस भी करेंगे। और एक चीज तो तय है कि जो कुछ भी कल हमने पढ़ा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कल हमने ये पढ़ा और आज इस पेपर में ये आया, ये बातें भी हम करेंगे। और जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, यदि आप कहीं अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं तो जरूर करें, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जोरदार स्वागत और जोरदार अभिनंदन करता हूं। आज उर्दू का पेपर हुआ और राजस्थान जीके बहुत ही गजब का आया है, बहुत ही शानदार। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं सीधा आपको ग्राउंड में लिए चलता हूं जहां से हम एक एक क्वेश्चन का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे। और बहुत ही बेहतरीन पेपर आयोजित हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, देखते हैं क्या होगा पहले क्वेश्चन का उत्तर। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है? और हमें क्या करना होता है, हमें पूरा प्रश्न पढ़ना होता है, अंत में हमें इस पर गोला करना होता है ताकि हमें पता रहे कि हम ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है। बोथिया, बीट नोक, पल्लाना और बरसिंगसर। दोस्तों मैं लगातार पिछले 3 दिन से एक ही बात बोल रहा हूं, जब लिग्नाइट आए तो आप ये जो लिग्नाइट के खनन क्षेत्र जो मैंने बताए, जैसे बाड़मेर में मैंने आपको बताया कपूरडी, जालीपा, बोथिया, गिरल, सच्चा सौदा, जिसके बारे में हम क्या कम से कम 4 बार चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों बोथिया बोला मैंने कहां पर, बाड़मेर में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 बोथिया हो जाएगा। बीकानेर की बात करें तो पल्लाना है और पल्लाना के बारे में तो एक कितनी तकड़ी बात मैंने भाई बताई थी आपको कि पल्लाना में पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन लिग्नाइट कोयला मिलता है जो कि बीकानेर में है। बरसिंगसर भी बीकानेर में है, बीट नोक भी बीकानेर में है और गुड्डा, हाडला, ये सारे के सारे क्षेत्र बीकानेर में है। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 बोथिया जो कि बाड़मेर में है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों कल जब हम रामनारायण चौधरी की बात कर रहे थे, रूपा जी और कृपा जी की बात कर रहे थे और हमने बताया था कि ये आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर मारे कौन गए थे, ट्रेंच ने गोलियां चलाई थी, यदि आपको याद होगो ट्रेंच ने गोलियां चलाई और रूपा जी कृपा जी धाकड़ मारे गए थे, आप कैसे भूल सकते हो इनको। और दोस्तों भेरू कुंड वाला जो जगह जो कि वर्तमान में मेनाल में है वहां पर ये घटना घटी थी, ट्रेंच ने गोली चलाई। दोस्तों आपको याद होगा यहां पर राजस्थान सेवा संघ और बेगू के ठिकानेदार अनूप सिंह के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ, यदि आपको याद हो, जिसको हम कई बार क्या कहते हैं, उसे वोल्सेविक समझौता कह देते हैं। दोस्तों ये बेगू किसान आंदोलन है, रामनारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया यदि आपको याद हो तो। दोस्तों वोल्सेविक समझौता वैसे देखा जाए तो ये रशिया से संबंधित था और आपको याद होगा बोल्शेविक का मतलब क्या है, यहां पर कहते हैं कि अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में समझौता हो गया था लाजबाग कम करने को लेकर, लेकिन मेवाड़ की सरकार ने, क्योंकि बेगू उस समय मेवाड़ में था, मेवाड़ की सरकार ने और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने समझौते को मानने को इनकार कर दिया, इसलिए उसे किसकी संज्ञा दी जाती है, बोल्शेविक की। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रेंच, आगे चल करके ट्रेंच को जो हत्याकांड हुआ इसका आयोग का जांच आयोग का अध्यक्ष भी बना दिया, कितनी गलत बात थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, रामनारायण चौधरी है, मोतीलाल पटेल, हरिभाव उपाध्याय, रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3, क्योंकि बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्व की बात हो रही है, उत्तर नंबर 3 रामनारायण चौधरी होगा। एक चीज और, हरिभाई उपाध्याय दोस्तों ये अजमेर के थे और आपको याद होगा कि अजमेर की जो विधानसभा थी पहली विधानसभा चुनाव में धारासभा, और वहां से ये मुख्यमंत्री भी बने थे आपको याद होगा, तो ये हरिभाऊ उपाध्याय है। विजय सिंह पथिक दोस्तों हमारे राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में विजय सिंह पथिक को याद किया जाता है और आपको याद होगा बिजोलिया किसान आंदोलन जिसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया शुरू में,
जब यह शुरू हुआ 1897 में, आगे चल करके 1916 में विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया, आपको याद होगा, और 1916 से 1927 तक। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 रामनंद चौधरी बिल्कुल सही है। राजस्थान भाषारी बोलिया में नी गिनी जाए, दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, यह राजस्थानी भाषा का क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषारी बोलिया में नी गिनी जाए, यानी राजस्थानी भाषा की बोलियों में शामिल नहीं है, कौन सी बोली शामिल नहीं है। मेवाती, दोस्तों मेवाती तो शामिल है, बघेली नहीं है। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 बघेली होगी, दोस्तों बघेली बिल्कुल सही है, मारवाड़ी भी है मेवाड़ी भी है। राजस्थान में वैसे देखा जाए तो सबसे प्राचीन बोलियों में मारवाड़ी शामिल है, मेवाती खास तौर से अलवर भरतपुर में बोली जाती है, और मेवाड़ी जिसकी कल हम चर्चा कर रहे थे भीलवाड़ा में, राजसमंद में, उदयपुर में और इन इलाकों में चित्तौड़ में मेवाड़ी बोली जाती है। कल भीलवाड़ा में क्या क्वेश्चन पूछा कि भीलवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है, मेवाड़ी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा दोस्तों बघेली। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, देव यानी कुंड कहां स्थित है, जयपुर में, झालावाड़ में, उदयपुर में और टोंक में। दोस्तों आपको याद होगा, कभी मौका मिला तो आप सांबर गए होंगे, सांबर यानी सपादलक्ष, वहां पर एक बहुत ही शानदार मंदिर है दोस्तों चौहानों की कुल देवी का, कौन नहीं जानता शाकंभरी माता को, यदि मौका मिले तो आप भी जाकर के देखें, बहुत शानदार मंदिर है, ऐसा लगता है जैसे कोई बर्फबारी हो रखी है और उसके बीचों बीच में एक भव्य मंदिर है। दोस्तों सांबर की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जानी जाती है शाकंभरी, और कहते हैं कि यहां पर माता की प्राचीन पीठ है, और देव यानी इसे देव यानी भी कहते हैं, अर्थात वैसे देखा जाए तो सभी तीर्थ स्थलों की नानी के रूप में यानी देव यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहां पर देव यानी का मंदिर है, देव यानी कुंड है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दोस्तों इसका क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 सांबर होगा, देव यानी कुंड और देव यानी क्या पर मंदिर, अर्थात शाकंभरी माता का मंदिर। दोस्तों खास तौर से जो मेला भरता है वो भाद्रपद के महीने में भरता है, याद रखेंगे दोस्तों भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मेला भरता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 जयपुर बिल्कुल सही होगा, अर्थात देव यानी कुंड जयपुर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, राजस्थान के निम्न में से किस मंदिर मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया जा सकता, यानी इनमें से कौन सा है जो राजस्थान में जिसका मेल मिलाप खास तौर से दुर्ग स्थापत्य में नहीं है, ठीक है, यानी राजस्थान के जितने भी दुर्ग स्थापत्य बने उनसे मेल मिलाप वाला कोई मंदिर कौन सा है और कौन सा नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया। अवलंबन का मतलब होता है दोस्तों उसी को लागू करना, या वैसे इंग्लिश आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर स्टाइल नॉट फॉलोड, फॉलो करना या नहीं फॉलो करना, यानी फॉलो करना और नहीं फॉलो करना को बोलते हैं अवलंबन, ठीक है। तो वो कौन सा है जिसमें आपकी जो आर्किटेक्चर है स्ट्रक्चर उसको फॉलो नहीं किया गया है, चार ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों उदयपुर का एकलिंग जी मंदिर जो है 8वीं शताब्दी का मंदिर है, इसमें दुर्ग स्थापत्य को फॉलो किया गया है, बिल्कुल सही है, और बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया, वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से ये तो नहीं होगा। रणकपुर का मंदिर दोस्तों 1444 खंभों का मंदिर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, चौमुखा मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसके शिल्पीकार देपाक थे, और दोस्तों ये रणकपुर पाली में है, इसमें भी क्या किया गया, फॉलो किया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। नीलकंठ महादेव, दोस्तों नीलकंठ मंदिर जो है ये कुशलगढ़ में पड़ता है, इसमें भी फॉलो किया गया है, ये भी सॉरी आपके फॉलो किया गया है, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 होगा, जगदीश मंदिर उदयपुर, वेरी इंपॉर्टेंट है, खास तौर से इंडो आर्यन शैली का निर्मित है, और इस क्वेश्चन में उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, जगदीश मंदिर, जिसमें राजस्थान के अंदर जो मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन इसी में होगा, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही है, जगदीश मंदिर उदयपुर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर दक्षिण गलियारा यानी कॉरिडोर राजस्थान के किस किले से गुजरता है, चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, धौलपुर, दौसा, जयपुर और भरतपुर। एक आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, जब भी हम राजस्थान के अंदर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर राजस्थान के एक ही जिले से गुजरता है, और उस जिले का नाम है धौलपुर। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 धौलपुर बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको याद रहना चाहिए, एक तो है आपका पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, एक है आपका उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। दोस्तों पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है इसका पुराना नाम NH-76 हुआ करता था, और वर्तमान में इसका नाम जो बदल करके क्या कर दिया गया है 27, वर्तमान में इसे NH-27 के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों ये गुजरात से शुरू होकर के सिलचर असम तक जाता है, ये भी आपको याद रहना होगा। दोस्तों राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। यदि मैं पश्चिम से पूर्व की ओर बात करूं तो सबसे पहले आपका सिरोही आएगा, फिर उसके बाद में उदयपुर आएगा, उसके बाद में चित्तौड़, यानी सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़, उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में बूंदी और कोटा और बारा, इन 7 जिलों से ये गुजरता है। और मैंने बोला है पश्चिम से पूर्व की ओर। इस प्रकार से ये तो आपका पूरा हो गया। दोस्तों उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसका पुराना नाम जो हुआ करता था NH-3 हुआ करता था, और वर्तमान में इसका नाम पड़ गया है NH-44। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? 44। दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है और राजस्थान के धौलपुर से निकलता है। याद रखना है दोस्तों, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे झांसी नामक जिले पर मिलते हैं, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये रहा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हाला झालारी कुंडलियां। दोस्तों ये हमने कल भी पढ़ा, ये हमने परसों भी पढ़ा, और ये उसी दिन भी पढ़ा था जब मैंने राजस्थानी साहित्य अलग से कराया। दोस्तों हाला झालारी कुंडलियां वेरी इंपॉर्टेंट है, ठाकुर जसा जी, बांकीदास जी, मोहन आलोक जी और ईश्वरदास। दोस्तों ईश्वरदास की है, कौन सी रचना है? हाला झालारी कुंडलियां, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 ईश्वरदास होगा। जबकि दोस्तों बांकीदास के बारे में कहा जाता है कि एक बहुत ही शानदार कवि थे, जोधपुर के महाराजा मान सिंह के दरबारी थे, और कहते हैं कि लाख पसाव नामक पुरस्कार मान सिंह ने दिया था किसको? बांकीदास को। और बांकीदास की तो गजब गजब की रचनाएं हैं, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, कू कवि बत्तीसी। दोस्तों ये इनकी बेहतरीन रचनाएं मानी जाती है। कू कवि बत्तीसी में तो पहली बार डिंगल शब्द का प्रयोग किया था, आपको याद होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 ईश्वरदास बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, कांकर, डोरडा, बिंदोली और सामेला। मुझे लगता है राजस्थान का छोटे से छोटा बच्चा भी इस क्वेश्चन को सही कर सकता है। ये विवाह पर होने वाले दोस्तों, खास तौर से विवाह के अवसर पर जो संस्कार होते हैं वही है आपके सारे के सारे। कांकंडोरा, बिंदोली और सामेला, ये विवाह से संबंधित है। दोस्तों उत्तर नंबर 1 विवाह बिल्कुल सही। जबकि चूड़ा करम, दोस्तों बच्चा जब 1 साल का या 3 साल का होता है तो उस वक्त उसके सर के बाल उतारे जाते हैं, उसे चूड़ा करम कहते हैं, ठीक है। आगे चल करके जब वो 16 साल का हो जाता है तब वो बाद में गुरुकुल में जाता, तब भी उसके बाल और मूंछे काटते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों केशांत, केशांत कहते हैं, ठीक है, केशांत कहते हैं। लेकिन इसके बाद में अंत में जब कोई इंसान मरता है और मरने के बाद में उसके घर वाले लोग दाह संस्कार करके जब घर आते हैं तो वो दाढ़ी और मूंछ कटाते, उसे बोलते हैं भद्दर। तो 3 बातें हो गई है, चूड़ा करम कोई जड़ूला कहते हैं, और बाद में गुरुकुल जाने को बोलते हैं केशांत, अर्थात गोदान बोल सकते हो, केशांत का दूसरा नाम क्या है? गोदान। और तीसरा है भद्दर, जब वो अंत्येष्टि वाली बात आती है। तो ये 3 प्रकार से बाल मुंडे जाते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 विवाह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को कोई भी गलत करेगा, एक आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का उत्तर 1 कालीबंगा बिल्कुल सही है। दोस्तों कालीबंगा बिल्कुल सही है, कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ जिले की कालीबंगा पीलीबंगा तहसील के अंतर्गत आता है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कांस्य युगीन सभ्यता है, दोस्तों यह कांस्य युगीन सभ्यता है, और राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। दशरथ शर्मा ने राजस्थान की इस सभ्यता के बारे में एक बात कही है कि यह तो हड़प्पा की यानी सिंधु घाटी सभ्यता की 3री राजधानी है। दोस्तों यह है आपकी कालीबंगा। अमलानंद घोष जिसने सबसे पहले इसकी खोज की, आगे चल करके 1961 से लेकर 1969 तक 5 स्तरों में इसका उत्खनन हुआ, जिसमें खास तौर से बीबीलाल, बीके थापर, जगतपति जोशी और एमडीएच मसाले को एमडीएच खरे याद करना है, और एसपी जैन और एसएम श्रीवास्तव, ये सारे के सारे इसके उत्खनन करता है। दोस्तों कालीबंगा बिल्कुल सही है। दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं, हम कई बार कहते हैं कि चारों ओर से परकोटे से गिरे हुए 2 दुर्गीकरण के अवशेष है। एक दोस्तों किला जिसमें राजा महाराजा रहते थे, वो पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर जनता रहती थी। यहां पर अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का दोहरे जूते हुए खेत कैसे भूल सकते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1, खास तौर से सरस्वती नदी, वर्तमान सरस्वती जिसे दृश्यवती नदी के नाम से भी जाना जाता है, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 कालीबंगा। दोस्तों गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है, और बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में है। रंग महल सभ्यता, एक और तकड़ी बात बता देता हूं, रंग महल सभ्यता जो कि वर्तमान में राजस्थान के सूरतगढ़ तहसील में है,
दोस्तों सूरतगढ़ तहसील में है, और सूरतगढ़ जो तहसील है वो वर्तमान में गंगानगर की तहसील है दोस्तों, गंगानगर की तहसील है, याद रख सकते हैं दोस्तों। रंग महल नामक गांव, वैसे देखा जाए तो रंग महल गांव और रंग महल सभ्यता स्थल दोनों थोड़े आपस में जगह में थोड़ा अंतर है। यदि आपसे प्रॉपर रंग महल गांव पूछे तो वो तो आ जाता है हनुमानगढ़ में, लेकिन रंग महल नामक जो सभ्यता स्थल वाली जगह है वो पड़ती है आपकी सूरतगढ़ में, अर्थात गंगानगर में। तो याद रखना, क्योंकि आरपीएससी ने भी इसका उत्तर गंगानगर मान लिया है। थोड़े दिन पहले आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि रंग महल किस जिले में है, उसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों थे, आपको याद रखना है गंगानगर होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का रंग महल वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वैसे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक कालीबंगा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केत सागर, ब्रह्म सागर, कोसी क्राम कुंड। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मंजा हुआ और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वैसे जैसे ही आप यदि जेत सागर देखोगे, अंग्रेजी में आप इसे जेत सागर देखोगे तो मुझे लगता है आप बूंदी की तरफ जाओगे, लेकिन सच तो यह है कि इसका उत्तर बूंदी न होकर इसका उत्तर जैसलमेर होगा। क्योंकि दोस्तों जेत सागर, ब्रह्म सागर और कोसीक्राम जो कुंड है, ये तीनों के तीनों जैसलमेर में है, अर्थात उत्तर नंबर चार होगा जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर के अंदर जेत सागर, ब्रह्म सागर, कोसीक्राम, ये तीन तो कुंड है, इसके अलावा आप जानते होंगे गढ़सी सर तालाब भी है दोस्तों, गढ़सी सर, और मूलराज के नाम से मूलराज सागर। दोस्तों मूलराज सागर भी एक तालाब है, तो मूलराज सागर हो गया, गढ़सी सर तालाब हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, और बुज झील हो गई, बुज झील दोस्तों, ये सभी के सभी जैसलमेर में है। यानी मूलराज सागर, गढ़सी सर तालाब, बुज झील, जेत सागर, ब्रह्म सागर, कोसीक्राम, ये सब जैसलमेर में है। जबकि जबकि आपको याद रखना है बूंदी के अंदर जेत सागर के अलावा कौन है दोस्तों, बूंदी में जेत सागर है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक चेता मीणा ने बनवाई थी, ठीक है। आगे चल करके एक सूर सागर भी आप लिख सकते हो दोस्तों, सूर सागर भी यहां। एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि राजस्थान में सूर सागर तीन जगह पर है, सूर सागर जोधपुर में भी है, सूर सागर बीकानेर में भी है, और सूर सागर बूंदी में भी है, तो ये याद रखें। और यहां पर बूंदी की बात करें तो फूल सागर को कौन भूल सकता है दोस्तों, कौन सा, फूल सागर, वेरी इंपॉर्टेंट है फूल सागर, और यहां पर कनक सागर भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों। ये सारे के सारे जो है वो बूंदी में है, लेकिन इधर वाले सारे के सारे जैसलमेर में है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर चार जैसलमेर सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, एक शानदार क्वेश्चन है गागरोन के युद्ध के बारे में। चार ऑप्शन आपके सामने है, महमूद खिलजी प्रथम और इडर का रायमल, महमूद खिलजी और राणा सांगा, और महमूद खिलजी और आपके राणा कुंभा, और खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय। दोस्तों हम जानते हैं कि राणा कुंभा के अनेक युद्ध है, जिसमें खातोली का युद्ध इंपॉर्टेंट है, राणा सांगा के खातोली का जो बहुत इंपॉर्टेंट है इब्राहिम लोदी के साथ में 1517, और उसके बाद में 1518, 1519 और 1527 के अनेक प्रकार के बेहतरीन युद्ध, जिसमें गागरोन का युद्ध कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। गागरोन का जो युद्ध है वो महमूद खिलजी सेकंड और राणा सांगा के बीच में हुआ। जबकि दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि एक सारंगपुर का युद्ध हुआ था, आपको याद होगा, वो महमूद खिलजी प्रथम था, वो महमूद खिलजी प्रथम था, और वो किसके साथ युद्ध हुआ था, कुंभा के साथ में। तो याद देखो दोस्तों, कुंभा के साथ में प्रथम, ये रहा, ये तो है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा है, सारंगपुर का युद्ध है, सारंगपुर जो कि 1437 में हुआ। जबकि दोस्तों ये जो युद्ध है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसके बीच में हुआ है, गागरोन का युद्ध है, अर्थात द्वितीय और सांगा के बीच में। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, दोस्तों असाहित कवि की रचना कौन सी है, ये क्वेश्चन कल भी मैंने बताया था, कवि असाहित का ऑप्शन में नाम था, मैंने बोला था असाहित की रचना हंसावली है, छोरो याद कर लेना, कल ये क्वेश्चन आ सकता है, ये रहा वो क्वेश्चन, हंसावली आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। नंबर एक मलय सुंदरी कथा, मानवती प्रबंध, मानवती और बसंत विलास, और इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर चार कवि असायत की जो रचना है वो है आपकी हंसावली, बिल्कुल सही है, कल हमने इस पर चर्चा भी करी थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, गणेश्वर सभ्यता दोस्तों, अच्छोरी इसने तो कि सभ्यता कांतली नदी पर है, मैंने कांतली नदी जैसे ही नाम देखा तो गणेश्वर सभ्यता पहले ही बोल दिया, इसका मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक गणेश्वर सभ्यता होगा दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता वैसे खास तौर से सीकर के अंदर स्थित है और कांतली नदी के किनारे है, और ये वो सभ्यता है जिसे हम ताम्र संचयी नगरी कहते हैं, ताम्र संचयी सभ्यता, ताम्र संचयी सभ्यता, और एक पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं,
ताम्र जननी भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में सबसे पहले तांबे के शुद्ध उपकरण यहीं पर ही मिले थे। मैं कई बार बताता रहता हूं कि यहां पर जो तांबे के उपकरण मिले हैं उन तांबे के उपकरणों को कई जगह पर भेजा जाता था, खास तौर से आपके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में व्यापार के लिए भेजा जाता था। दोस्तों इस सभ्यता का उत्तर नंबर एक गणेश्वर, और गणेश्वर के बारे में कई बातें बताता रहता हूं। ओसीपी कल्चर यानी यहां पर जो मृदभांड मिले हैं वो ओसीपी कल्चर के हैं, यानी ओकर कलर्ड पॉटरी यानी गेरिक वर्णी, जिसको हम कपीस वर्णी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहां के मृदभांड है वेरी इंपोर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन आया है। यहां पर जो ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, पत्थर का प्रयोग हुआ, ये बात भी हम कई बार कर चुके हैं। और खास बात यह है कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, आरसी आपके रतनचंद्र अग्रवाल ने, आरसी अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल 1977 में। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक गणेश्वर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम कब बात कर रहे थे बता देता हूं कि जब हम बात कर रहे थे किशनगढ़ की, जयपुर की, इन सब हवाई अड्डों की बात कर रहे थे, तो और साथ ही साथ मैंने आपको एक बात बोली थी कि किशनगढ़ हवाई अड्डा जो कि किशनगढ़ अजमेर में है और वसुंधरा राजे सिंधिया ने अक्टूबर 2017 में इसका उद्घाटन किया था। अब अपन ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हाँ जी, अक्टूबर 2017, दिसंबर 2017, मार्च और जून। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक अक्टूबर 2017 वसुंधरा राजे सिंधिया ने उद्घाटन किया, उत्तर नंबर एक बिल्कुल सही है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, गोला अलीपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र कहां है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही गजब का है, खास तौर से राजस्थान के लिहाज से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। गोला अलीपुरा डोलोमाइट, वोलेस्टोनाइट, क्वार्ट्ज और सिलिका रेत, उत्तर नंबर दो वोलेस्टोनाइट होगा। दोस्तों ये दोनों के दोनों स्थान अजमेर में है, दोनों के दोनों स्थान कहां पर है, अजमेर में है। और वोलेस्टोनाइट के बारे में एक बात बता देना चाहता हूं, पूरे देश में सबसे ज्यादा वोलेस्टोनाइट राजस्थान में उत्पादित होता है, ठीक है, सर्वाधिक। और राजस्थान में सबसे ज्यादा वोलेस्टोनाइट कहां होता है, उदयपुर में। राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, उदयपुर में होता है, ये बात आप याद रख सकते हैं। जबकि अजमेर के अंदर पिंसागन जो है तहसील वहां पर भी है, गोला अलीपुरा और साथ ही साथ रूपनगढ़ में भी क्या मिलता है दोस्तों, वोलेस्टोनाइट मिलता है। और उदयपुर में ने आपको बता ही दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपने कभी सुना होगा सिरोही के अंदर बेल का भगरा, दोस्तों सिरोही जो है वहां पर एक जगह है बेल का भगरा, बेल का भगरा, बेल का भगरा नामक जगह कहां है सिरोही में, यहां पर भी वोलेस्टोनाइट होता है, ठीक है। बेल का भगरा या बेल का पहाड़, ये सिरोही में है जहां पर वोलेस्टोनाइट देखने को मिलता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दो वोलेस्टोनाइट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, माही नदी का उद्गम कहां है। एक आसान सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस क्वेश्चन को गलत करेगा। दोस्तों माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महेंद्र झील, धार जिला, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे वर्तमान में, अभी वर्तमान में बिल्कुल सही है, धार जिला मध्य प्रदेश, इसमें तो चारों, बाकी ऑप्शन तो सारे ही गलत हो गए। दोस्तों खास तौर से ये विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है और राजस्थान में ये बांसवाड़ा के खांडू गांव में प्रवेश करती है। दोस्तों एक तकड़ी चीज बता देता हूं, इस नदी की टोटल लंबाई 576 किलोमीटर है। इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 576, जिसमें से राजस्थान में कितनी है, 171 किलोमीटर राजस्थान में है। दोस्तों टोटल 576 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में कितनी है, 171। और मैं कई बार बताता रहता हूं कि माही परियोजना है, इस पर बांसवाड़ा में माही बजासागर बांध बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इस बांध से संबंधित जो खर्चा, जो पैसा है वो राजस्थान और गुजरात दोनों का है। गुजरात की हिस्सेदारी 55% है, राजस्थान की हिस्सेदारी 45% है। लेकिन इस माही परियोजना पर जो विद्युत बनती है, क्या बनती है, विद्युत बनती है, वो लगभग 140 मेगावाट है। इसमें गुजरात की हिस्सेदारी नहीं है, यह केवल और केवल राजस्थान की हिस्सेदारी है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन का उत्तर धार मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। चलिए भाई, और अंत में आपको पता है, क्योंकि कर्क रेखा को दो बार काटती है, यू टर्न लेके गुजरात में चली जाती है, यानी इसका अपवा क्षेत्र, खास तौर से यदि हम बात करें तो दोस्तों ये एमपी से निकली और राजस्थान में प्रवेश कर गई और अंत में ये गुजरात में चली गई, गुजरात में जाकर के ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दो धार मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वीर सत्सईरा रचनाकार कौन है। कितनी गजब का क्वेश्चन पूछा है इस बार भाई ने, वीर सत्सई का रचनाकार कौन है। नाथु सिंह मेहरवारिया, उदयराज उज्जवल, केसरी सिंह बारेठ, हिंगलाज दान कैया। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक
नाथू सिंह मेहरवारिया होगा। नाथू सिंह मेहरवारिया उदयपुर के रहने वाले हैं दोस्तों, रहने वाले थे, उदयपुर के रहने वाले थे, और कहते हैं कि इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी थी, जिसमें खास तौर से वीर सत्सई जो रचना है ना, वैसे मूल रूप से सूर्यमल मिश्रण की थी और उसी पर आधारित है ये रचना वीर सत्सई। दोस्तों ये नाथू सिंह मेहरवारिया ने लिखी है। इस क्वेश्चन का जवाब उत्तर नंबर एक, जबकि सूर्यमल मिश्रण ने जो मूल रूप से लिखी है वो सूर्यमल मिश्रण की है वीर सत्सई। दोस्तों जो नाथू सिंह मेहरवारिया है, इन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं, जिसमें खास तौर से काश्मीर शतक, दोस्तों काश्मीर शतक नाथू सिंह की है, काश्मीर शतक। दोस्तों काश्मीर शतक के अलावा आप याद करेंगे नंबर दो चूंडा शतक भी इनका है, और एक स्वर्ण पदक के नाम से इन्होंने रचना लिखी थी स्वर्ण पदक, ये भी नाथू सिंह महारवारिया की है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी की सारी रचनाएं, हाँ एक वीर शतक भी लिख सकते हो वीर शतक, ये सभी की सभी रचनाएं किसकी है, नाथू सिंह महरवारिया की है। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर एक बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, हथकरघा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। दोस्तों राजस्थान में हैंडलूम इंडस्ट्री की बात हो रही है, हैंडलूम इंडस्ट्री के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है, यानी कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, सांगानेर, टोंक, ब्यावर और मांगलोर। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर चार होगा मांगरोल 12, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी आपके हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन एक चीज बताता हूं, कोटा का कैथून भी प्रसिद्ध है, जयपुर के बगरू और आपके सांगानेर ये भी प्रसिद्ध है, चित्तौड़ का अकोला भी प्रसिद्ध है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा मांगरोल ज्यादा प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर चार मांगरोल बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। दोस्तों चंपाकली तुलसी आडकी, चंपाकली तुलसी आडकी, हाथ ढालरो हालरो झालरो तिमणिया बजंटी ठूसी, ये और बजंटी और टेवटिया, ये सारी की सारी बात हम कल कर चुके हैं, ये सारे के सारे गले के आभूषण हैं। तो ये रही चंपाकली, आपके सामने है चंपाकली होगा गर्दन का, जबकि कल हम बात कर रहे थे हीरा नामी और तेधड़, मेरे को लगता है विश्याम को जो पेपर होगा पंजाबी का, उन विद्यार्थियों में ये क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों नोगरी और बल्लिया हाथ के हैं, नोगरी और बल्लिया हाथ के, जबकि तेधड़ और हीरा नामी पैर के हैं, ठीक है, और तोड़ा भी पैर का है, ठीक है, जबकि कमर के करधनी तटका चौथ और करधनी, ये तीन चार, और कणकति कंदोरा करधनी चौथ सटका जंजीर, ये सारी कमर के आभूषण है, याद करें हो सकता है शाम को आ जाए। माथे दोस्तों नाक की बात करें तो नाक के आभूषण में हम चर्चा कर चुके हैं कल, चौंप भी हमने पढ़ लिया और बेसरी भी हमने पढ़ लिया, हमने फीणी भी पढ़ लिया, और फीणी के साथ साथ हमने भंवरिया भी पढ़ लिया था कल, भंवरिया भी, और इसके अलावा नाक के बुलाक भी हमने देख लिया था। दोस्तों ये सारे हम आभूषण चेक कर चुके हैं। माथा दोस्तों माथे पर यानी ललाट पर, दोस्तों मेमंद इंपॉर्टेंट है, मेमंद माथे का है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम तीन दिन से लगातार बातचीत करते आ रहे हैं, दोस्तों एक है दामना, एक है दामनी और एक है दामिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो दामिनी शब्द है ये माथे का यानी मस्तक का आभूषण है दामिनी, जबकि दामणी जोधपुर की मारवाड़ की लाल रंग की ओढ़नी है दामणी, जबकि दामना जो है हाथ की अंगुलियों का आभूषण है, हाथ की अंगुलियों का आभूषण दामना, दामणी ओढ़नी का प्रकार है मारवाड़ में, और दामिनी मस्तक का यानी ललाट का आभूषण। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा दोस्तों, चंपाकली हमारा उत्तर नंबर चार गर्दन बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है। दोस्तों हुआ क्या था कि 24 तारीख की बात मुझे याद है, 25 तारीख को पेपर था और 24 तारीख को आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, मैंने स्त्रियों के वस्त्र और पुरुषों के वस्त्र, और साथ ही साथ साड़ी के प्रकार, घाघरे के प्रकार, और मैंने गोटे के प्रकार के क्वेश्चन डाले थे 7-8, वो इन्हीं में से क्वेश्चन है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, निचोल और दुकुल, दोस्तों निचोल और दुकुल ये साड़ी के प्रकार है, ये दोनों के दोनों साड़ी के प्रकार है, याद रखें साड़ी। इसके अलावा
चोल भी कर सकते हो। दोस्तों चोल भी साड़ी का प्रकार है, चोल हो गया, निचोल हो गया, दुकुल हो गया, और एक है चीर पटोरी। दोस्तों चीर पटोरी, चीर पटोरी ये भी साड़ी का ही प्रकार है, ठीक है। और एक है अंशुक, दोस्तों अंशुक ये सारे के सारे साड़ी के प्रकार है, तो साड़ी महिलाएं पहनती है पुरुष नहीं, तो ये दोनों हो नहीं सकते। अब बच गया दोस्तों कुर्ती, कुर्ती महिलाएं पहनती है जिसके नीचे वो कांचली पहनती है, तो ये भी महिलाओं का है। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 दो डी होगा, पुरुषों का पूछा इसने कौन सा पुरुषों का वस्त्र है, उत्तर नंबर 4 दो डी होगा, 4 नंबर उत्तर बिल्कुल सही। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 20 के बाद 21वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। सोत माता किस जनजाति की कुल देवी है? दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सोत माता जिनका भव्य मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, दोस्तों ये कंजर जाति की कुल देवी है। 4 ऑप्शन सांसी, कंजर, भील और मीणा, उत्तर नंबर 2 होगा। दोस्तों कंजर जाति का यहाँ पर बहुत ही शानदार, वैसे तो कोई भी जा सकता है लेकिन माता आराध्य देवी कुल देवी इनकी है। दोस्तों कार्तिक के महीने में खास तौर से मैं कह सकता हूं दीपावली से लगभग 11 दिन पहले कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मेला भरता है दीपावली से 11 दिन पहले। वेरी इंपोर्टेंट है, कंजर जाति होगी, ठीक है। चलिए भाई, हाड़ौती अंचल राज चावा गीतकार है। दोस्तों ये कहना चाहते हैं कि इनमें से कौन से हाड़ौती अंचल के गीतकार है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों वैसे देखा जाए तो इन चारों में से 2 ऑप्शन गड़बड़ करेंगे, रेवतदान चारण गड़बड़ नहीं करेंगे, गणेशीलाल व्यास गड़बड़ नहीं करेंगे, गड़बड़ करेंगे ये दोनों, क्योंकि दोनों के नाम के पीछे हाड़ा लिखा हुआ है, जबकि दोस्तों चंद्र सिंह हाड़ा नहीं है, चंद्र सिंह जो है हाड़ा तो होंगे लेकिन गीतकार नहीं है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 रघुराज सिंह हाड़ा है, जो गीतकार है, राजस्थानी भाषा के बहुत ही बेहतरीन गीतकार है, उत्तर नंबर 3 अर्थात हाड़ौती अंचल के हैं। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका सामने, वार्षिक प्रतिवेदन वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है? दोस्तों राजस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, यानी एनुअल जो रिपोर्ट होती है 21-22 उसके अनुसार पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा झाड़ी क्षेत्र कहाँ है। एक आसान सा क्वेश्चन है, हर कोई बच्चा कर सकता है जिसने एक बार पढ़ लिया हो, जयपुर, सिरोही, करौली और पाली। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 पाली होगा, क्या होगा? पाली। मैं थोड़ा इंग्लिश भी चेक करूंगा क्योंकि आजकल इंग्लिश में गड़बड़ करते हैं, इंग्लिश में परसेंटेज पूछते हैं, हिंदी में क्षेत्र पूछते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन आया परसों कि राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या, हिंदी में तो पूछ लिया जनसंख्या और इंग्लिश में ठोक रखा था परसेंटेज। दोस्तों उसका परसेंटेज, क्योंकि इंग्लिश को माना जाएगा हिंदी की बजाय, तो उसमें परसेंटेज कोटा ज्यादा है, 60.3% है, ठीक है। जबकि केवल जनसंख्या पूछते तो इसका जयपुर होता, तो उस क्वेश्चन का उत्तर कोटा होगा। तो हुआ क्या कि मैंने ऐसे पढ़ लिया, इंग्लिश में देखा नहीं, और इंग्लिश नहीं देखा तो गड़बड़ हुई। मैं यहां भी इंग्लिश देखना चाहता हूं। हाईएस्ट स्क्रब एरिया फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू एनुअल फॉरेस्ट रिपोर्ट। दोस्तों इस बार इसने परसेंटेज नहीं पूछा, हाईएस्ट स्क्रब एरिया पूछ लिया है, तो पाली बिल्कुल सही है। दोस्तों सबसे ज्यादा राजस्थान में पाली के अंदर ही है, लगभग 357 वर्ग किलोमीटर में। कितना में है? 357 वर्ग किलोमीटर में पाली के अंदर क्या है? झाड़ी क्षेत्र है, वेरी इंपोर्टेंट। दूसरा स्थान आएगा करौली का, करौली में लगभग 300 वर्ग किलोमीटर है, 357 पाली में और करौली में 300 वर्ग किलोमीटर है। जबकि 3 नंबर पे जयपुर आएगा, जयपुर में 272 के आसपास है इस प्रकार से, और सिरोही 4 नंबर पे है, 247। इसका मतलब क्या हुआ? दोस्तों राजस्थान में यही क्रम आपको याद रखना है, 1 नंबर सबसे ज्यादा, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, झाड़ी क्षेत्र में यही है 1, 2, 3, 4 क्रम। लेकिन यदि कोई पूछे कि राजस्थान में न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र बताओ, दोस्तों राजस्थान में न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र यदि पूछ लेता तो आप हनुमानगढ़ करते। क्या करते? हनुमानगढ़ के अंदर लगभग 6.7 वर्ग किलोमीटर है, आप लिख सकते हो 6.7 वर्ग किलोमीटर का मतलब, या तो इसे 7 वर्ग किलोमीटर कर लो, आप 7 कर सकते हो, 6.7 वर्ग किलोमीटर सही है। 2 नंबर पे आएगा दोस्तों गंगानगर, गंगानगर में 15 वर्ग किलोमीटर कर सकते हो, और 3 नंबर आएगा आपका चूरू,
और चूरू में जो है लगभग 27 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सबसे न्यूनतम और वो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा। और दोस्तों एक चीज और, राजस्थान का टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल जिसका कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में झाड़ी क्षेत्र है, 1.41% में है। यानी राजस्थान के टोटल भौगोलिक प्रदेश में याद रख सकते हैं झाड़ी क्षेत्र कितना है, 1.41%, अर्थात टोटल एरिया है 4808 वर्ग किलोमीटर है। यानी 4808 वर्ग किलोमीटर, अर्थात परसेंटेज 1.41 है। यह राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही। दोस्तों राजस्थान में महिला साक्षरता दर की बात हो रही है। हाँ जी, एज पर द सेंसस 2011 द डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान वेयर फीमेल लिटरेसी रेट हैज बीन ऑब्जर्व लोवेस्ट पूछी गई है। चलिए चेक कर लेते हैं, सिरोही, जालौर, जैसलमेर और प्रतापगढ़। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 जालौर बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कि राजस्थान में सबसे कम जो महिला साक्षरता दर है वो जालौर की है, 38.5। कितनी है? 38.5 है। दूसरा नंबर सिरोही का आएगा। दोस्तों दूसरा नंबर सिरोही का है, लगभग 39% है। आप 39.7% कर सकते हैं। यानी एक नंबर जालौर 38.5, दो नंबर सिरोही 39.7, और वैसे तीन नंबर पे जैसलमेर आएगा। हाँ जी, तीन नंबर पे आप जैसलमेर करेंगे और चार नंबर पे बाड़मेर आ जाएगा। तो ये तो है दोस्तों महिला साक्षरता दर की बात। अब इसने पूछा न्यूनतम, हो सकता है शाम को आ जाए अधिकतम। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर कोटा की है। किसकी है? कोटा की है। और कोटा की महिला साक्षरता दर लगभग 66% है, यानी 65.9% है। वेरी इंपॉर्टेंट है। दो नंबर पे जयपुर आएगा। जयपुर की लगभग 64% है, याद कर सकते हैं जयपुर की 64 महिला साक्षरता दर। और तीन नंबर है झुंझुनू। झुंझुनू की कितनी है? 61%। तो इस प्रकार से दोस्तों महिला न्यूनतम और अधिकतम मैंने आपको बता दी है। आइए चलते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, सापुरा, सिंथल और खेड़प्पा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? दादूपंथी, रामदासी और मीरादासी और रामसनेही। उत्तर नंबर 4 रामसनेही बिल्कुल सही है। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक जानकारी दे देता हूं कि राजस्थान में रामसनेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं, जिसमें पहली शाखा दोस्तों ये फर्स्ट है, रेण जो है ये दोस्तों सेकंड है, और सिंथल शाखा जो कि बीकानेर में है दोस्तों बीकानेर में ये थर्ड है, और खेड़प्पा जो कि जोधपुर में है दोस्तों ये फोर्थ है, ठीक है। और ये रेण मेड़ता में है, दोस्तों ये मेड़ता में है, ठीक है। और सापुरा भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में। दोस्तों इस प्रकार से सापुरा एक नंबर पे, रेण मेड़ता दो, सिंथल बीकानेर तीन और खेड़प्पा 4। अब आपसे कोई पूछे कि रेण शाखा के प्रवर्तक है कौन है, आप कहेंगे संत दरियाव जी। कौन है भाई? संत दरियाव जी रेण मेड़ता। सापुरा के कौन है भाई? याद रखे रामचरण जी। रामचरण जी जिनकी गजब की रचना है अनभेवाणी। दोस्तों अनभेवाणी नामक रचना किसकी है? याद रखेंगे रामचरण जी। सिंथल शाखा के प्रवर्तक है हरी रामदास जी। दोस्तों हरी रामदास जी आप जानते हो हरी रामदास जी है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हरी रामदास जी की रचना वो निशानी है। दोस्तों क्या है? निशानी, निशानी या निशानी एक ही बात है, निशानी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है जोधपुर। दोस्तों जोधपुर में आपको याद रखना है हरी के आगे रामदास है, वो हटा लो, हरी हटा करके रामदास इधर ले जाओ। इस शाखा के प्रवर्तक है रामदास जी। दोस्तों इस प्रकार से ये चारों शाखाएं मैंने बता दी है। आपसे कोई पूछे कि रामदास जी ने दीक्षा किससे ली, तो याद रखना रामदास जी ने दीक्षा ली थी हरिरामदास जी से। तो हरिरामदास जी ने शिक्षा किसको दी? रामदास को। हरिरामदास जी ने किससे शिक्षा ली? दोस्तों आप याद रख सकते हैं जयमलदास। किसे? जयमलदास से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जयमलदास, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आइए चलते हैं, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही था। जिस जिले में तंबाकू खेती मुख्य रूप से की जाती है उस जिले का नाम बताना है। पाली में, सिरोही में, अलवर में, धौलपुर में। दोस्तों इन सभी जिलों में सबसे ज्यादा अलवर में तंबाकू की खेती होती है। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है, तंबाकू खेती इन जिलों में सबसे ज्यादा अलवर में, बिल्कुल सही है, तीन नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 26 के बाद में 27वां क्वेश्चन आपके सामने है। आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक
अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। महाराजा भीम सिंह, महाराजा भोपाल सिंह, महाराजा हनुमत सिंह और महाराजा उमेद सिंह। दोस्तों ये चारों के चारों राजाओं की बात करें तो आजादी के बाद वैसे देखा जाए तो खास तौर से इस व्यक्ति का नाम हनुमंत सिंह सही है। दोस्तों हम जानते हैं कि आजादी के आसपास पहले राजा हुआ करते थे उमेद सिंह। उमेद सिंह के निधन के बाद उनके बेटे हनुमंत सिंह राजा बने। हनुमंत सिंह ने कहा था कि मैं जोधपुर रियासत को या तो स्वतंत्र रखूंगा या मैं पाकिस्तान में मिलाऊंगा। आपको याद होगा पिस्तौल तान दी थी, आपको यह भी याद होगा जोधपुर के अंदर, और किसके सामने वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन दोनों आए हुए थे, लेकिन अंततः वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि बात तो मेरी माननी पड़ेगी, तुम कुछ भी कर लो चाहे। तो बोले कि क्या करना है, बोले कि हस्ताक्षर करो, बोले कि हस्ताक्षर कर दूंगा, अंततः हस्ताक्षर कर दिए थे। आपको याद होगा हम जानते हैं जब संयुक्त राजस्थान बना, संयुक्त राजस्थान के अंदर चार बड़ी रियासतें मिलाई गई जिसमें जयपुर ही नंबर दो, जोधपुर नंबर तीन, बीकानेर और नंबर चार जैसलमेर। और आगे चल करके वो तारीख है आपको याद होगा 30 मार्च 1949। दोस्तों इसी दिन खास तौर से राजस्थान की, क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतों का विलय हुआ इसलिए आज भी हम 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट यह भी है कि यह संयुक्त राजस्थान था और इसका उद्घाटन वृहत राजस्थान बना है, ठीक है, क्योंकि संयुक्त राजस्थान तो राजस्थान संघ में उदयपुर मिला तब बन गया था, तो लेकिन यहां पर 30 मार्च की बात है तो यह वृहत राजस्थान बना और वृहत राजस्थान का उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने किया जबकि संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर तीन हनुमंत सिंह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणगौर का त्योहार राजस्थान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से गुलाबी गणगौर। दोस्तों नाथ द्वारा के बारे में जितनी बात करें उतनी कम पड़ेगी, नाथ द्वारा के बारे में हम पिछले तीन दिन से लगातार इतनी शानदार बातें कर रहे हैं, गुलाबी गणगौर मैंने बोल दिया था। वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ही आ रहा है, सबको आता होगा, इस बच्चे को भी, इसने तो गलत कर दिया, मुझे लगता है ये सही करेगा, इसने भी गलत कर दिया। दोस्तों गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद बिल्कुल सही है और ये कब मनाई जाती है, चैत्र की शुक्ल पक्ष की पंचमी को। दोस्तों गणगौर, गण गण का मतलब होता है शिव, शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती। दोस्तों पार्वती या मैं कह सकता हूं शिव और पार्वती को समर्पित है, सुहागिन जो स्त्रियां होती है वो इसको मनाती है, कुछ कुमारी बालिकाएं भी इस त्योहार को मनाती है अच्छे वर की कामना के लिए। वैसे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दो नाथ द्वारा सही है। अगला क्वेश्चन है मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, कपड़े पर छपाई, ब्लू पोट्री, टेरा कोटा, आभूषण। दोस्तों कल परसों की क्लासों में हमने खास तौर से मोलेला आर्ट की बहुत सारी बातें करी है। मोलेला आर्ट दोस्तों वैसे देखा जाए तो मोलेला राजसमंद में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हस्तशिल्प कला खास तौर से मिट्टी जो होती है उसकी कलात्मक मूर्तियां बनाई जाती है, खिलौने बनाए जाते हैं, टेरा कोटा कला बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों टेरा कोटा उत्तर नंबर चार बिल्कुल सही है, वेरी इंपॉर्टेंट है, चार नंबर ऑप्शन टेरा कोटा मोलेला गांव राजसमंद में पड़ता है, कहां पर पड़ता है, राजसमंद में। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है। दोस्तों कल परसों जब मैं आपको टूरिस्ट सर्किट बता रहा था तो मैंने आपको गोडवाड़ सर्किट बताया, केकावाटी सर्किट बताया, वागड़ सर्किट बताया, मरु सर्किट बताया। तो मरु सर्किट की बात करें तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, देखो मरु त्रिकोण, भाई मरु सर्किट अलग है, ये मरु त्रिकोण अलग है, यानी मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले शामिल है। दोस्तों खास तौर से मरु त्रिकोण में बीकानेर भी है, जोधपुर भी है, जैसलमेर है, लेकिन बाड़मेर नहीं है, ये बात याद करेंगे। चलो चेक कर लेते हैं मरु त्रिकोण का कौन सा भाग नहीं है, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दो बाड़मेर होगा, मरु त्रिकोण के बारे में पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मरु त्रिकोण कहां है, ये मरु त्रिकोण में कौन है, ये तीनों है, कौन नहीं है, बाड़मेर नहीं है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है। दोस्तों इसको बोलते हैं आखेट निषेध क्षेत्र। मैं कई बार बताता रहा हूं कि राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्र आपको रटने चाहिए, वर्तमान में राजस्थान में 33 आखेट निषेध क्षेत्र है, कितने हैं 33 और सबसे ज्यादा कहां है ये पूछ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं, प्रोहिबिटेड
हंटिंग एरियाज कौन से जिले में सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्र है अजमेर में, अलवर में, जोधपुर और बीकानेर में? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर तीन जोधपुर बिल्कुल सही है। हाँ जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर तीन होगा जोधपुर, बिल्कुल सही है। राजस्थान के जोधपुर जिले में यदि हम बात करें तो लगभग 7 आखेट नीचे क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर नंबर तीन बिल्कुल सही है, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि बीकानेर में तो 5 ही है, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर तीन जोधपुर बिल्कुल सही है। दोस्तों जोधपुर में फिटकासनी आप जानते होंगे, साथीन, लोहावट, गुड्डा बिश्नोईयान, जम्बेश्वर, डोली, देंचू, इस प्रकार से 7 जो है आखेट निषेध क्षेत्र है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर में है। अगला प्रश्न दोस्तों ये हो गया आपका 31वां, 32वां क्वेश्चन आपके सामने, शहरिया विकास कार्यक्रम कहां लागू किया गया? एक आसान सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा गलत करेगा। दोस्तों 12 जिले की किशनगढ़ और शाहबाद तहसील, किशनगंज और शाहबाद, चलो छपड़ा और किशनगंज, छपड़ा ट्रू, शाहबाद और किशनगंज, शाहबाद ट्रू। दोस्तों शाहबाद और किशनगंज उत्तर नंबर तीन, किशनगंज तहसील है और शाहबाद भी तहसील है 12 जिले की, उत्तर नंबर तीन बिल्कुल सही है, यह है शहरिया विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है कि राजस्थान में मंडोर जो कि गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान है, और मूल पुरुष जो है वो हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र के 4 पुत्र हुए, हरिश्चंद्र का उपनाम रोहालिद्दी, हरिश्चंद्र के 4 पुत्र हुए, भोगभट भी हुआ, दत्त भी हुआ, रज्जिल भी हुआ, लेकिन जो रज्जिल है वो 3रे नंबर का था, वेरी इंपॉर्टेंट। उसने कहते हैं कि मंडोर के चारों और जो छोटी छोटी रियासतें उनको सबको मिलाकर मंडोर को मूल रूप से अपनी पहली क्या बनाई, शाखा के रूप में, प्रतिहारों की पहली शाखा के रूप में स्थापित की, और यहाँ के राजा बने थे रज्जिल। दोस्तों रज्जिल जो है उसी से गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली की शुरुआत होती है। आगे चल करके नागभट प्रथम राजा बनते हैं जो रियल में वास्तविक संस्थापक होते हैं, और उसने गुर्जर प्रतिहारों की प्रतिष्ठा को साबित किया सबसे पहले। और आगे चल करके उन्होंने, उनके बारे में ये कहता है कि कहते हैं कि वो मलेच्छों का नाशक था, लेकिन आगे चल करके कुछ राजाओं ने गुर्जर प्रतिहारों को आघात पहुंचाया, जो शौर्य परंपरा जो नागभट प्रथम ने रखी वो रख नहीं पाए। आपको याद होगा 100 वर्षीय युद्ध, जानते ही होंगे त्रिपक्षीय युद्ध, जिसमें वत्सराज ने कुछ कास्ट नहीं कर पाया, कई राजाओं से हार गया, अंततः नागभट द्वितीय राजा बनता है और वो कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, ठीक है, यानी त्रिपक्षीय जीत युद्ध जो है वो जीत लेता है, और अपने गुर्जर प्रतिहारों की प्रतिष्ठा जो खोई हुई थी उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है, नागभट द्वितीय, उत्तर सही है। इस क्वेश्चन का ककुक भरतम देवराज उत्तर नंबर 2, इसने पूछा ना कि पुनः प्राप्त इसने किया, शुरुआत इसने करी थी, उत्तर नंबर 2 नागभट द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, मेवातीरी बोली कौन सी है, यानी मेवाती की उप बोली कौन सी है? नंबर 1 धटकी, नंबर 2 राजावाटी, नंबर 3 अहिरवाटी और देवड़ावाटी। दोस्तों ये मध्य पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है ये धटकी, इसका मतलब ये मारवाड़ी की उपबोली है। दोस्तों ये तो मारवाड़ी की उपबोली है तो ये हो नहीं सकती। राजावाटी दोस्तों जयपुर के पूर्व में बोली जाती है, ढूंढाड़ी की उपबोली है। अहिरवाटी, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा अहिरवाटी। दोस्तों अहिरवाटी खास तौर से ये कह सकता हूं हरियाणा की बांगरू और राजस्थान की मेवाती दोनों के बीच में संधि स्थल के रूप में काम करती है। दोस्तों ये बोली, इसका क्षेत्र राट कहलाता है, अर्थात राट क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसे राठी भी कहते हैं। दोस्तों इसे अहीर जाति की बोली माना जाता है, इसलिए इसे अहिरवाटी या इसे हीरवाल या हीरवाली भी कहते हैं। दोस्तों ये बोली खास तौर से हमारे अलवर के बहरोड और मुंडावर में और जयपुर की कोटपुतली के उत्तर में बोली जाती है। बहरोड और मुंडावर अलवर में और कोटपुतली जयपुर में बोली जाती है अहिरवाटी, यही मेवाती की उपबोली है, उत्तर नंबर क्या होगा 3 देवड़ावाटी मारवाड़ी की उपबोली है। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 अहिरवाटी। लोक साहित्य में किन्नरी गिनती नहीं हुए? दोस्तों इनमें से कोई एक लोक साहित्य में नहीं गिना जाता, एकांकी, पहेलियां, लोकगीत,
ख्याल या लोक नाट्य। दोस्तों पहेलियां, सारी पहेलियां, लोकगीत, ख्याल, लोक नाट्य, ये सब लोक साहित्य होता है, लेकिन एकांकी जो होता है वो लोक साहित्य नहीं होता। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर एक एकांकी होगा। क्या होगा? एकांकी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के निर्माण के समय, दोस्तों 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के निर्माण के समय देसी रियासतों के निम्न समूहों में से कौन सा संघ का हिस्सा नहीं था? कौन सा संघ का हिस्सा नहीं था? दोस्तों आपको याद होगा, राजस्थान संघ की यदि हम बात करें तो राजस्थान संघ यानी राजस्थान यूनियन, दोस्तों इसमें 9 रियासतें मिलाई गई थी, 9 रियासतें और एक ठिकाना मिलाया गया था। इन सबको मिलाकर के राजस्थान संघ बनाया गया। इसको कैसे याद करेंगे? दोस्तों इसको याद करेंगे बाबू की को झाड़ू झाड़ू पसाटो। दोस्तों ये एक शब्द है, एक वाक्य है, इसमें वो सारी की सारी रियासत शामिल है। बा का मतलब है दोस्तों बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। बू का मतलब है बूंदी, यानी बूंदी भी थी और बांसवाड़ा भी। की का मतलब है किशनगढ़, किशनगढ़ भी शामिल था। को का मतलब है कोटा, झा का मतलब है झालावाड़ और डू का मतलब है डूंगरपुर, डूंगरपुर। और पी का मतलब है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। सा का मतलब है सापुरा, सापुरा। और टो का मतलब है टोंक। दोस्तों ये सारे के सारे मिलाए गए थे, इनके अलावा जो बच गए वो नहीं है। चलो भाई देखो भाई, एक नंबर ही ऑप्शन हो गया, एक नंबर हो गया अपने आप, क्योंकि उदयपुर आ गया। गलत है, उदयपुर के अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ सही है, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, सापुरा सही है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सापुरा सही है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक सही है, उत्तर नंबर एक। क्योंकि अब राजस्थान संघ बन गया, ये 9 रियासतों एक ठिकाना, अब आगे चल करके इनमें मिलाया जाएगा किसको? उदयपुर को, उसे बोलते हैं हम संयुक्त राजस्थान। वैसे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक सही है, बाकी सारे वैसे ये सही है ये गलत था। ओके, एक नंबर उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट, दोस्तों राजस्थान में अनेक सर्किट है। यदि कोई आपसे पूछे कि कितने सर्किट है, कितने हैं भाई? 8 है या 9 है या 6 है या 7? दोस्तों वैसे देखा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? मुझे लगता है 8 सर्किट, एक नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। हाँ जी, एक होगा क्या या 9 सर्किट है? हाँ जी, कितने सर्किट है कौन बताएगा? दोस्तों 8 और 9वां सर्किट तो वो बन गया ना, घोड़वाड़ पूछ को और बना दिया ना, 9 हो गए भाई। उत्तर नंबर 2 होगा 9। हाँ जी, 9 ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट 9, उत्तर 9, क्योंकि गोडवार जो है उसके शामिल करने के बाद 9 हो गए हैं। ठीक है, चलिए भाई, उत्तर नंबर 2 9 सर्किट होगा। अगला क्वेश्चन 37 के बाद 38वां, 38वां क्वेश्चन है, राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? दोस्तों राजस्थान की राम सनेही संप्रदाय की मैंने 2 मिनट पहले ही आपको पीठ बताई थी। मैंने बोला था प्रमुख पीठ यानी एक नंबर की पीठ थी सापुरा भीलवाड़ा, रामचरण जी इसके प्रवर्तक थे, मैंने आपको बताया था। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही है, राम सनेही संप्रदाय की। जबकि मुकाम मोखा में तो बिश्नोई संप्रदाय की है। नरेना, नरेना के अंदर दोस्तों भेराना पहाड़ी है, भेराना पहाड़ी जहां पर दादू संप्रदाय की पीठ है, भेराना पहाड़ी। ठीक है, और अलवर में दोस्तों आपकी किसकी है? लालदासी संप्रदाय की है। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 राम सापुरा भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? दोस्तों इस बार क्या बोल दिया इसने? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या परसेंटेज तो नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू से? दोस्तों इस बार, अब की बार तो ठीक कर दिया काम, ये क्या कर दिया कि नगरीय जनसंख्या सबसे कम किस में है? बांसवाड़ा में है, राजसमंद में, जालोर या बाड़मेर? दोस्तों नगरीय जनसंख्या किस में होगी भाई, कौन बताएगा? फटाफट बताओ भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताता है। वेरी गुड, शाबाश। राजस्थान में नगरीय जनसंख्या, वेरी गुड, राजस्थान में नगरीय जनसंख्या सबसे कम। हाँ जी दोस्तों, वैसे देखा जाए ना तो एक बात बता देता हूं आपको, नगरीय जनसंख्या सबसे कम कहां मिलती है? प्रतापगढ़ में। एक बात याद करना दोस्तों, प्रतापगढ़ जो है
इसमें सबसे कम नगरीय जनसंख्या है, जबकि नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा जयपुर में है। ठीक है, तो यदि आपके प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करेंगे, राजसमंद कर देंगे। यदि राजसमंद, यदि ऑप्शन में प्रतापगढ़ नहीं हो तो राजसमंद। याद रखना, सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतापगढ़ में है और दो नंबर राजसमंद कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए भाई, जबकि जयपुर में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कल एक क्वेश्चन आया था प्रतिशत का, वो भी बता देता हूं दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत पूछे तो कोटा करना था। कोटा में कितनी है, 60.3% नगरीय जनसंख्या है टोटल कोटा की। तो नगर प्रतिशत पूछे तो कोटा, केवल पूछे तो जयपुर, न्यूनतम पूछे तो प्रतापगढ़ और न्यूनतम प्रतिशत पूछे तो डूंगरपुर। हाँ जी, डूंगरपुर कितना है भाई, डूंगरपुर 6.4, डूंगरपुर कितना है, 6.4% है नगरीय जनसंख्या। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक बात गौर से सुनना, इन दो जिलों की बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कोटा में 60.3, राजस्थान में। अब उल्टा क्या होगा इसका, ग्रामीण। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत किसका है, ये हो जाएगा ना, उल्टा हो गया ना, अपने आप ही, गलती मत करना। जिसकी नगरीय प्रतिशत ज्यादा है उसका अपने आप ही ग्रामीण प्रतिशत कम हो जाएगा, और जिसका नगरीय प्रतिशत कम है उसका नगरीय ग्रामीण प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा। डूंगरपुर, डूंगरपुर का नगरीय प्रतिशत 6.4 है तो ग्रामीण सबसे ज्यादा हो जाएगा ना, 93.6 हो जाएगा, सही है ना, गुड। ये बात याद रखना, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दो राजसमंद होगा। अगला क्वेश्चन, 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान वह 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है, चना, कपास, गेहूं और सरसों। दोस्तों वैसे देखा जाए तो एक अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको कई बार बता भी दिया है। यदि कोई पूछे कि 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान वह 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है, चना होगा या कपास, गेहूं या सरसों, कौन बताएगा भाई। हाँ जी, वैसे देखा जाए तो उत्तर नंबर दो कपास होगा, क्योंकि कपास के लिए क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों कपास उत्तर बिल्कुल सही है, क्या होगा, 20 से 30, अर्थात कपास उत्तर नंबर दो बिल्कुल सही है, कपास। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुर सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के किस गांव में है। भाई बांसवाड़ा में तो है, लेकिन बांसवाड़ा के भी कौन से गांव में है, यदि आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे। दोस्तों उमराई गांव, गारा गांव, दानपुर गांव और बोदला गांव। वैसे देखा ना तो दोस्तों यहां पर एक उमराई गांव बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा दानपुरा भी तकड़ा चीज है। दोस्तों उमराई, वैसे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक उमराई होगा, क्या होगा, उमराई। उमराई गांव जो है वो तलवाड़ा के अंदर, भाई उमराई तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, याद रखें, ठीक है, यानी उमराई तलवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा, ठीक है, ये बांसवाड़ा में उमराई त्रिपुर सुंदरी, जिसको हम तुरताई माता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दानपुरा गांव जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर राजस्थान का पहला अल्ट्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट बनाया गया है, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट बनाया गया है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला आधारित अल्ट्रा पावर प्लांट दानपुरा बांसवाड़ा, ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक उमराई होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का प्रावधान है, 173 में, 174 में, 176 और 177। दोस्तों दोनों के दोनों आर्टिकल नीचे वाले बड़े इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 176 और 77 जिनमें अभिभाषण की बातें कही गई है, और यदि आपसे कोई पूछे कि विशेष अभिभाषण किस में है तो बताइए भाई, आर्टिकल 173 गलत हो गया और 74 भी गलत हो गया। अब दोस्तों आर्टिकल 176 और 177 इन दोनों के बारे में एक तकड़ी बात आपको बता देता हूं कि दो अभिभाषण होते हैं, एक सामान्य अभिभाषण और एक विशेष अभिभाषण। दोस्तों विशेष अभिभाषण 176 में है जबकि सामान्य अभिभाषण 77 में। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, उत्तर नंबर तीन 176 बिल्कुल सही है। और विशेष अभिभाषण कब कब किया जाता है, नंबर एक नई नवेली विधानसभा जब बनती है तो उसके पहली बार जो सत्र आयोजित होता है उसको संबोधित करने में, एक, और प्रतिवर्ष जो बजट सत्र होता है उससे ठीक पहले राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो, आर्टिकल 176।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों दीक्षा और परख और दीक्षा निखार, दोस्तों एक आसान सा क्वेश्चन है, उत्तर नंबर दो परख बिल्कुल सही है, यह क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? परख, और वेरी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, परख होगा, परख यानी परख, यह क्वेश्चन आ चुका है, एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की बात हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पूछा गया है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम राशि, दोस्तों एक आसान सा क्वेश्चन है, वैसे देखा जाए तो 850 रुपए देकर के कोई भी परिवार अपने पूरे परिवार का एक साथ बीमा करा सकता है, यदि वो किसमें शामिल नहीं है, उन 5 कैटेगरी में शामिल नहीं है जिन कैटेगरीज को निःशुल्क रखा गया है। तो मान लो मैं सामान्य व्यक्ति हूं और मैं भी चाहता हूं कि मुझे इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिले, और यदि मैं वो 5 कैटेगरी जो निःशुल्क है उनमें शामिल नहीं हूं, तो मुझे भी क्या करना होगा, एक साल के लिए मेरे पूरे परिवार के लिए क्या करना होगा, ये प्रीमियम राशि कटानी होगी। और वैसे एक बात तकड़ी बताता हूं, जिंदगी में काम आएंगी, दोस्तों टोटल प्रीमियम राशि कितनी है, 1700 रुपए, 1700 रुपए होती है प्रीमियम राशि एक साल के लिए, लेकिन उसकी 50% कौन देता है, राज्य सरकार, और 50% खुद परिवार को। ये परिवार आधारित बीमा योजना है, पूरे परिवार की है, एक की नहीं है, तो परिवार आधारित है, इसका मतलब 850 × 2, दोस्तों ये हो गए 1700 रुपए परिवार को देने हैं 850, और बाकी जो 50% है वो सरकार देती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर, प्रति परिवार प्रति वर्ष, प्रति परिवार प्रति वर्ष, प्रति माह नहीं प्रति वर्ष, उत्तर नंबर 4 होगा, पर 850। अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति में 12 सदस्य है तो उसमें महिला कितनी होगी? एक बात याद रखो, किसी भी विद्यालय प्रबंधन समिति की बात हो तो उसके टोटल मेंबर की आधी महिलाएं होंगी, महिलाएं कितनी होंगी, आधा आधी, तो इसका मतलब यहां महिलाएं 6 होगी। भाई इसने बोला है विद्यालय प्रबंध समिति में टोटल 12 सदस्य है तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 6, उत्तर नंबर 1 होगा। दोस्तों याद रखना, विद्यालय प्रबंध समिति की 3/4 कौन होंगे, अभिभावक होंगे, 3/4 अभिभावक, यानी टोटल 75% कौन होंगे, अभिभावक होंगे, और टोटल जो मेंबर होगा, टोटल मेंबर दोस्तों उसका 50% कौन होगी, महिला। इसका क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 6 होगा, एक नंबर ऑप्शन 6, महिला सदस्यों की होनी चाहिए 6, अनिवार्य भी है, उत्तर नंबर 1 आधी संख्या। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत हर महीने विधवा को कितनी पेंशन? दोस्तों वैसे देखा जाए ना तो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना शुरू की गई, जिसमें खास तौर से वो महिलाएं जो विधवा हो गई कोरोना की वजह से, उनके पति की डेथ हो गई, ऐसी महिलाओं को राजस्थान सरकार क्या देती है, प्रति माह पेंशन देती है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। दोस्तों इसमें 1000 रुपए, 1100 रुपए, 1500 और 1500। वैसे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 1500 बिल्कुल सही है, 1500 रुपए प्रति माह, ठीक है। और एक चीज और याद कर सकते हो दोस्तों, यदि कोई निधन होता है तो तत्काल सहायता 1,00,000 रुपए, तत्काल सहायता कितनी थी, 1,00,000 रुपए की तत्काल सहायता थी, और 1500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती थी उस विधवा महिला को, ठीक है। चलिए भाई, चलो भाई, यह क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 2022 में राजस्थान के किस जिले में डीआरडीओ उद्योग अकादमियां उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? क्या बात है, गजब का क्वेश्चन पूछ लिया भाई, क्या पूछा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वाज द डीआरडीओ इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर आईआईटी जोधपुर, आईआईटी जोधपुर। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हाँ जी, जोधपुर में, बीकानेर में, और जैसलमेर, जयपुर, उत्तर नंबर क्या होगा, 1 नंबर, आईआईटी जोधपुर में उत्कृष्टता केंद्र, याद रखें। लेकिन इसी के साथ एक बात और याद कर सकते हैं दोस्तों, इसका उत्तर नंबर 1 जोधपुर होगा, और 1 सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर में है, जहां पर सेंटर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पंचकर्म भी है, वो भी याद रखना, हो सकता है शाम को आ जाए। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 जोधपुर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना संबंधित है? दोस्तों निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा संबंधित योजना, निर्माण श्रमिकों को 1,00,000 की वित्तीय सहायता देने के लिए,
हाँ जी, और निर्माण श्रमिकों को बीमा एवं पेंशन स्कीम का लाभ देने हेतु, निर्माण श्रमिकों को टूल किट हेतु सहायता राशि देना, और निर्माण श्रमिकों को कौशल। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, कुछ नहीं, एक आसान सा क्वेश्चन है। देखो इसने क्या लिखा है, निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य, भविष्य सुरक्षा। दोस्तों भविष्य की सुरक्षा की बात हो रही है। हाँ जी, वैसे भविष्य की सुरक्षा कब होगी, जब उसे बीमा मिलेगा, पेंशन मिलेगी। आदमी की भविष्य सुरक्षा कब होती है, वो रिटायरमेंट के बाद वो उसे पेंशन मिलती रहे, तब होती है उसकी भविष्य की सुरक्षा। तो आओ चलें चेक करते हैं ऑप्शन। दोस्तों निर्माण श्रमिकों को 1 लाख की वित्तीय सहायता, गलत हो गया। निर्माण श्रमिकों के लिए बीमा और पेंशन, उत्तर नंबर 2 सही है। टूल किट नहीं चाहिए और कौशल विकास भी नहीं चाहिए, उत्तर नंबर 2 चाहिए, अर्थात बीमा पेंशन। भविष्य की बात हो रही है ना, उत्तर नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुकेश चौधरी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल हाल ही में गुजरात में आयोजित हुए हैं, और राजस्थान के मुकेश चौधरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वुशु खिलाड़ी है। मुकेश चौधरी क्या खेलते हैं, वुशु खेलते हैं, अर्थात मुक्केबाजी, भारत्तोलन, तीरंदाजी, वुशु। उत्तर नंबर 4 है, मुकेश चौधरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मेडल जीत करके आए थे। क्या जीत करके आए थे, गोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ 36वें राष्ट्रीय खेल गांधीनगर गुजरात में हुए, याद रखें। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की, शिक्षा के अधिकार के लिए, गोपाल कृष्ण गोखले, राजीव गांधी, दादा भाई नेहरू जी और जाकिर हुसैन। दोस्तों यानी शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने करी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भारत में शिक्षा के लिए महात्मा गांधी के गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, जिनका नाम है, क्या नाम है, गोपाल कृष्ण गोखले, वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के अधिकार की बुनियादी नींव कानून रूप से किसने रखी, गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर नंबर क्या होगा, नंबर 1 गोपाल। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले गुरु किसके थे, राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, एमजी रानाडे, याद रख सकते हैं, महाराष्ट्र के सुकरात। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 गोपाल कृष्ण होगा। अगला क्वेश्चन है, रई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। उत्तर नंबर 1 कर्नाटक, बिल्कुल सही है। दोस्तों भारत का पहला राज्य, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक, बिल्कुल सही है। एक आसान सा क्वेश्चन था, कर्नाटक उत्तर होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कर्नाटक उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, RSIMDC यानी RSIMDC में स्थापित किया गया। दोस्तों RSIMDC वाज फाउंडेड 63 में 61 में और कब किया गया, 65 और 69। वैसे दोस्तों एक बात बता देता हूं, इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा, वैसे राजस्थान क्या है, इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा भाई, उत्तर नंबर, वैसे RSIMD जी क्या होगा भाई उत्तर। हाँ जी उत्तर तो बता देंगे, सभी लोग बता रहे होंगे उत्तर तो। हाँ जी दोस्तों इसका नाम है राजस्थान, हाँ जी राजस्थान स्टेट, राजस्थान स्टेट है इंडस्ट्रियल, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल, आगे क्या होगा भाई, हाँ जी चलिए भाई, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल, सभी लोग बताए। वैसे इसकी स्थापना 63 में 61 में 65 में और 69 में, हाँ जी चलिए भाई, हाँ जी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। वैसे ये रिको था ना, एक बात बताऊंगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो चीज मुझे याद आ रही है मैं बोलने जा रहा हूं, आपको याद रखना है, हो सकता है मेरी बात सही हो। क्योंकि एक दिन क्या हुआ कि 1969 का कोई क्वेश्चन आया था रिको का, जिसको कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट कर दिया, क्योंकि उसमें ऑप्शन 69 भी था, 61 भी था और 80 भी था। और बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे गुरु जी इसका रीजन क्या है, तो हमने ये देखा कि रिको की स्थापना 1969 में हुई, मार्च 28 मार्च 1969 में। लेकिन तब रिको की स्थापना हुई तब नाम रिको नहीं था, तब इसका नाम जो हुआ करता था राजस्थान, ये कोई RSMIDC, ये नाम उस समय था 1969 में। आगे चल करके इसको क्या कर दिया, पुनर्गठित कर दिया गया और रिको बना दिया गया 1980 में, 80 में इसे रिको बना दिया गया। तब ये शुरुआत में रिको की स्थापना इस नाम से हुई थी 1969 में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मुझे लगता है इसका उत्तर 4 नंबर होना चाहिए। हाँ जी
है, चलिए भाई उत्तर नंबर चार होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाँ जी, मिशन लिसा संबंधित था। मिशन लिसा महिला शिक्षा दर से, कोविड प्रबंधन से, और ई मित्र से, और निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, क्या होगा भाई? 53 नंबर क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर है, कौन बताएगा भाई? हाँ जी, वैसे देखा जाए ना तो ये कोविड मैनेजमेंट से संबंधित होगा। उत्तर नंबर दो सही है, क्योंकि मिशन लिसा है ना, लिसा LISA, तो उत्तर नंबर दो कोविड प्रबंधन बिल्कुल सही है, दो नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। मेगा फूड पार्क का निर्माण कहां चल रहा है दोस्तों? मेगा फूड पार्क याद रखें, ये बजट 2022-23 की बात है, जिसमें राजस्थान के अंदर दोस्तों जोधपुर जो है, जोधपुर के अंदर एक जगह है, वेरी इंपॉर्टेंट है जोधपुर के अंदर, और मेगा फूड पार्क बनाने का डिसीजन लिया था राजस्थान सरकार ने, और मथानिया गांव में, कहां पर? मथानिया में। तो याद रखें, मथानिया जोधपुर में मेगा फूड पार्क बनाने का फैसला लिया था राजस्थान सरकार ने, बजट 2022-23 में। बजट 2022-23 में राजस्थान सरकार ने यह कहा था कि हम जोधपुर में बनाएंगे क्या, 100 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क बनाएंगे, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मिनी फूड पार्क बनाएंगे, ये बात कही थी राजस्थान सरकार ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दो जोधपुर बिल्कुल सही है, जोधपुर होगा मेगा फूड पार्क। जबकि केवल फूड पार्क की बात करें तो अलवर, गंगानगर, जोधपुर और कोटा, लेकिन ये मेगा फूड पार्क है, क्या है? मेगा जोधपुर, मथानिया जोधपुर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच में कोई अंतर है और उसमें असत्य यानी गलत कौन सा है? चलो चेक करते हैं। पहला संस्था के भीतर होता है यानी औपचारिक, और जबकि दूसरा संस्थानों के बाहर। भाई अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा, संस्था के भीतर और संस्था के बाहर। पहला समयबद्ध जबकि दूसरा समय सीमा से बाहर, और तीसरा पहला संगठित है जबकि दूसरा असंगठित, पहला असंगठित है जबकि दूसरा। बस उत्तर नंबर चार होगा। चार नंबर ऑप्शन सही है ना, क्योंकि इसने गलत गड़बड़ कर दी यहां। भाई औपचारिक शिक्षा असंगठित कैसे हो सकती है? संगठित होती है, ये गलत है, बाकी सारे सही है, चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, एक तरफ स्थल है और दूसरी तरफ हमारा स्थान मिलान करना है दोस्तों। नंबर एक देवी कुंड सागर बीकानेर, दोस्तों ये कह रहा है मिलान करना है, देवी कुंड सागर बीकानेर में है, और बीसल देव टोंक में है, और अब बच गया हमारे पास में अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी और अमरेश्वर महादेव, भाई कौन बताएगा? हाँ जी दोस्तों एक बात बताओ, अमरेश्वर महादेव मंदिर तो सवाई माधोपुर में है, तो ये हो गया अमरेश्वर महादेव मंदिर सवाई माधोपुर, कोई दिक्कत? अब चलो मेल मैच कर लेते हैं, अमरेश्वर महादेव मंदिर सवाई माधोपुर, देवी कुंड सागर बीकानेर, और अंधेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर कहां है भाई? बांसवाड़ा, और बीसलदेव टोंक, कोई दिक्कत? एकदम सही है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर देख लेना आप कौन सा होगा, मिलान मैंने कर दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें आगे कुछ पूछने की बताने की जरूरत है। 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया, बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला दोस्तों, डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, वैसे देखा जाए तो दोस्तों जोधपुर के बारे में कल भी सुदूर संवेदन केंद्र आया, सुदूर संवेदन केंद्र जोधपुर में, रक्षा प्रयोगशाला ये DRDO से संबंधित, ये भी जोधपुर में है, तो लगातार अब की बार जोधपुर के ज्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक जोधपुर बिल्कुल सही है, जिस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है जोधपुर, दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक जोधपुर बिल्कुल सही है, ठीक है। और लगभग 1969 में, आजादी के बाद में इसकी स्थापना हुई थी जोधपुर में 1969 में, यानी आप यूं याद कर सकते हो कि कादरी के समकालीन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो यह है मिलान करना है, एक आसान सा क्वेश्चन है, मिलान करना है दोस्तों, योजना का नाम है और मिलान करना है, और क्या कह रहा है? मिलान ही करना है ना, चलो भाई मिलान कर देते हैं दोस्तों। वैसे इस क्वेश्चन का जवाब सुप शक्ति योजना, स्वयं विवेक जिला, अनुप्रति योजना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, दोस्तों ये तो सही हो गया। हाँ जी, वैसे देखा जाए तो सुप शक्ति योजना 2016 कर दूं क्या, स्वयं विवेक जिला विकास योजना 2005-06, अनुप्रति योजना 2011,
और क्या सही हो गया क्या? एक बार चेक करो भाई, मैंने लिखा है शुभ शक्ति योजना 2016, सही है? सॉरी, हाँ सही है ना। और बी में तीन, विवेक जिला विकास 2005-06, अनुप्रति योजना 2011 और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग 2019, सही है? सही है ना? ठीक है, अभी आप मैच कर लेना इनमें से ऑप्शन कौन सा है वो आप देख लेना, जहां तक है मेरा सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक बिल्कुल सही है, आरटी अधिनियम 2009। इसने अधिनियम लिख करके गड़बड़ तो की है, कोई बात नहीं है, वैसे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम आरटी अधिनियम 2011, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लो भाई 61वां क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है? दोस्तों ये क्वेश्चन है, जितनी फीस लेगा उसका 10 गुना उसे दंड मिलेगा। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखा है, और आरटी अधिनियम जब हम कर रहे थे तो मैंने ये सॉल्यूशन भी कराया था, दंड दंड कितना मिलेगा? 10 गुना। तो आप वो चेक करते हैं, कैपिटेशन 3 गुना, 50 गुना, 10 गुना, 20 गुना, उत्तर नंबर 3 होगा भाई, 3 नंबर ऑप्शन 10 गुना, क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन अगला है, 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक राजस्थान स्काउट गाइड संघ द्वारा कौन सी राष्ट्रीय जंबूरी की मेजबानी की गई? दोस्तों हमारे राजस्थान में अब तक 2 जंबूरी हुई है, एक 1956 से 1957 जो कि जयपुर में हुई, और 18वीं जंबूरी रोहट पाली में। लेकिन इसने यह पूछा है कि यह देश की कौन सी जंबूरी थी जो जयपुर में हुई, दिसंबर 1956 से 57 तक राजस्थान स्काउट गाइड द्वारा कौन सी राष्ट्रीय जंबूरी, याद रखें यह देश की दूसरी जंबूरी थी, पूरे देश की दूसरी जंबूरी। तो इसमें चौथी, तीसरी, दूसरी, छठी, दूसरी होगा उत्तर नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए भाई उत्तर नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थात दूसरी दूसरी जंबूरी, देश की दूसरी थी, और अब की बार कौन सी हुई थी? 18वीं जंबूरी रोहट पाली। 63वां क्वेश्चन, कौन राजस्थान का प्रसिद्ध एथलीट है? भुवनेश्वर कुमारी, मंजू बाला, मंजरी भार्गव और सुनीता पुरी, क्या होगा भाई? वैसे देखा जाए ना तो इस क्वेश्चन का उत्तर, क्योंकि भुवनेश्वर कुमारी तो निशानेबाज थी, मंजू बाला, मंजरी भार्गव और सुनीता पुरी, दोस्तों मंजू वाला स्वामी होगा उत्तर, मंजू वाला स्वामी एथलीट है। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 मंजू वाला बिल्कुल सही है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों ये केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू किया गया 88 में, 68 में, 98 में, 78 में, वैसे 1988 में शुरुआत हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, पहली 1968 में, दूसरी 86 में, और उसके तुरंत बाद में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान शुरू किया गया 88 में। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 बिल्कुल सही है, 1988 1988 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शरद महोत्सव है, दोस्तों ग्रीष्म महोत्सव और शरद महोत्सव दोनों ही माउंट आबू में होते हैं, शरद महोत्सव माउंट आबू, ग्रीष्म महोत्सव भी माउंट आबू, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का 65 का उत्तर नंबर 2 माउंट आबू बिल्कुल सही है। चलिए भाई 65 के बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 66वां। इस प्रकार से ये आज उर्दू का पेपर था, और इस उर्दू के पेपर में जितने भी राजस्थान जीके और शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने बता दिए हैं। कोई भी आपको डाउट लगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर लिख सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अंत में इस पेपर की पीडीएफ आज जल्दी ही अपलोड करेंगे, इसलिए जल्दी ही अपलोड कर देंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। तो मैं इंतजार करूंगा आप सबका, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। और यदि शाम को एक काम और कर सकते हैं अपन, शाम को जो लंबी लाइव क्लास होगी उसमें आज इनामी क्वेश्चन भी पूछेंगे, कल की भांति हमेशा की भांति है। चलिए भाई जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, मीनाक्षी सोलंकी थैंक यू, कमू मीणा जी, अजी गजेंद्र जी, तमाम विद्यार्थी देख रहे हैं, प्लीज जल्दी जल्दी अपना नाम लिख करके अपनी जो बात लिखना चाहते हैं जरूर लिखें, ताकि हम मैं 2 मिनट आपको समय दे रहा हूं, अपन बात कर लेते हैं, उसके बाद में वाणी को विराम देंगे। चलिए भाई मनोज बिशु, एम के स्टडी विद लाइफ एक्सपेरिमेंट, आपका भी स्वागत है। मीनाक्षी, मितुल गर्ग थैंक यू, सुरेंद्र बागड़ी जी बहुत बहुत अभिनंदन, दुर्गा सालवी जी शुक्रिया, स्टडी विथ
आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मिशन रीट और रीट लवर ममता कटारिया, थैंक यू। दुर्गालाल सालवी जी, बहुत बहुत अभिनंदन। कम्मू मीणा, नाइस क्लास सर, जोरदार मजा आ गया, थैंक यू। मीनाक्षी, शानदार सॉल्यूशन। राधा शर्मा जी, बहुत बहुत अभिनंदन। चलो भाई फटाफट अपनी बात जरूर लिखें, जल्दी जल्दी देखते हैं सबसे जल्दी जल्दी कौन अपनी बात लिखता है। आप अपने शहर का अपना नाम लिख सकते हैं, आपके मन में कोई बात है गुरु ज्ञान के प्रति वो भी आप लिख सकते हैं, हमारी पूरी टीम के प्रति आप कुछ लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। शिवराज बेंता जी शुक्रिया, और गणपत जी आपका भी बहुत बहुत, रुचिका जी शुक्रिया, रॉयल पंजाबी, ममता, मनीषा, नरेश, अभिषेक, भीम गुर्जर, दिनेश मीणा, शिवराज जी और मनीषा मीणा, कुंजीलाल जी, रोहित राठौड़, शिवराज, नरेश सैनी, श्याम मीणा जी, राज मीणा जी, राहुल चौधरी जी, थैंक यू। मिशन रीट रॉयल, बाईसा मेवाड़ की, आराध्या कुमावत, राधे राधे, गणेश राम जी, बाती कतरी। वैसे बाती कतरी एक भोपे होते हैं जो गुजरात के हैं, वो कल्ला जी की पूजा करते हैं, तो इनके लिए कल्ला जी को बापू खत्री के रूप में वहां जाना जाता है, ठीक है। चार हाथों वाले देवता कल्ला जी के बारे में है, ठीक है। के पारा सर जी, रुचिका गुर्जर, एसडीएम सरकार, अब करो नाम के लिए सीपी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समाधान दिनेश धाकड़ जी। चलिए भाई एलडीसी के लिए बिल्कुल एक दो दिन में ही हाई कोर्ट एलडीसी पर धमाका करेंगे, चिंता ना करो, ठीक है। अभिषेक त्रिलोक, स्टडी विद लाइफ, हरवेंद्र जी, हरेंद्र जी और हरीश, सौरभ मीणा, शैलेश मीणा, शैलेश डूंगरपुर, सौरभ मीणा, त्रिलोक कुमावत, चलिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, थैंक यू तमाम लोगों का। त्रिलेख त्रिलोक जी, कैप्टन गेमिंग और अर्जुन मीणा, शुक्रिया। चलिए भाई अभी के लिए बस इतना ही। इस आज के पेपर की उत्तर कुंजी पेपर में पीडीएफ पेपर जो पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा उत्तर सहित, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर, और आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा कल की भांति। आपको याद होगा हमने 25 तारीख के दोनों पेपर अपलोड कर दिए थे, 26 के दोनों कर दिए, 27 के दोनों कर दिए, 6 पेपर अपलोड हो चुके हैं, 7वां पेपर अभी आज हो गया है उसको भी अपलोड कर देंगे, और 8वां पेपर आज शाम को। तो मैं इंतजार करूंगा आप सबका गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर। अभी के लिए बस इतना ही, जाते जाते इस क्लास को लाइक करना ना भूले। आपने लाइक नहीं किया, 1000 बच्चे देख कर चले गए, 317 ही लाइक है, ये गलत बात है। जाते जाते लाइक जरूर करें, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अन्यथा मत करें, कोई जरूरी नहीं है, यदि अच्छी लगी तो लाइक करें। और हमेशा की भांति एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, नमस्कार।